काजल, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अलमारी में से ले लो। मैं अलमारी में रखे हुए पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो दहेज के वक्त तुम्हारे डैडी ने बोला था पैसे देने के लिए, मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ। पर संजय, आपने तो शादी के पहले ये बोला था कि आप दहेज के खिलाफ हैं। ये सब बातें लोगों के सामने बोलने की होती हैं। और जो सारी जिंदगी तुम्हारा बोझ उठाएगा, क्या वो दहेज नहीं ले सकता? लेकिन आपने तो लेकिन कुछ नहीं जानता मैं। मुझे एक हफ्ते के अंदर 20 लाख रुपए चाहिए। और अपने डैडी को कॉल लगाओ और उनको बोलो जल्दी से जल्द बुला। 20 लाख रुपए? पर समझे, पापा इतनी जल्दी कैसे मैनेज करेंगे? कैसे मैनेज करेंगे मुझे नहीं पता। मुझे एक हफ्ते के अंदर 20 लाख रुपए चाहिए। चाहिए तो मतलब चाहिए, बात खत्म। क्यों करनी है शॉपिंग? तुम्हें पता तो है ना कि अगले महीने घर में छोटी की शादी है, बस उसी के लिए। अपने बाप से बोलना, वो शॉपिंग करा देगा तुझे। तुम ऐसी क्यों बात करते हो? ऐसी बात करता हूँ मैं तो? तेरे बाप से पैसे मांगे थे मैंने, एक फूटी गोली तो दे नहीं पाया, और तू चाहती मैं तुझे शॉपिंग कराऊं। तुम्हें दहेज ही चाहिए था तो शादी से पहले बोल देते। अब तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि पैसों के लिए तुम ऐसे बन जाओगे। हाँ, बन गया हूँ मैं ऐसा। और अपने बाप से जाके बोल कि पैसे लाके दे मुझे, नहीं तो तेरा इस घर में रहना मुश्किल कर दूंगा मैं। अरे आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। कहाँ जा रही है? अरे आपको बता देना, हम छोटी की शादी है, आप भी चलो, पापा से भी मिल लेना और भाई से भी मिल लेना। मुझे ही नहीं जाना कहीं, और आज मैं तुझे तेरे घर पे ही छोड़ता हूँ। ये ले अपना सामान और जा, और इस घर में तभी घुसना जब अपने पापा से पैसे लेके आए। संजय, तुम पैसों को लेके इतने परेशान क्यों हो? और पापा ने अभी तो हमारी शादी की है, वो इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट कैसे करेंगे? मुझे नहीं पता, मैं भी तो तेरे खर्चे उठा रहा हूँ। मुझे पैसे चाहिए, और इस घर में तभी घुसना जब पैसे लेकर आए, समझी? संजय, मेरी बात तो सुनो। संजय, दीदी आप कैसे? भैया ये क्या हाल बना रखा है? चलो बैठो यहाँ। क्या हुआ बताओ, ये क्या हाल बना रखा है? भैया मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? भैया मेरे पति मुझ पे बहुत अत्याचार करता है, वो मुझे पैसों के लिए टॉर्चर करता है, मुझसे बोलता है कि दहेज ले गया, मुझे इतने पैसे चाहिए वरना तुझे घर में नहीं आने दूंगा। मुझे बहुत मारता है भैया, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। शादी के इतने साल बाद वो ऐसे कैसे कर सकते हैं तुम्हारे साथ? भैया ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है। पहले मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बात तो बहुत आगे बढ़ गई, तब तो मुझे सुसाइड करने का मन करता है। घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। दीदी आप कैसी बात कर रहे हो, मैं अभी कॉल मिलाता हूँ। किसको कॉल कर रहे हो भैया? मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, मैं अभी उनकी कंप्लेन करता हूँ। फिर तो एक कंप्लेन मुझे भी आपकी करनी चाहिए। क्यों दीदी? जो मेरा पति मेरे साथ करता है, वही सेम आप भी तो भाभी के साथ करते हो। आप भी तो उन दहेज के लिए इतना परेशान करते हो, इतना टॉर्चर करते हो, और क्या क्या नहीं बोलते आप। वो भी तो बेचारी इतना कुछ सहन करती है, आपने उनके बारे में एक बार भी सोचा? अगर आज आपकी बहन के ऊपर ये बात आई तो आपको इतना गुस्सा आ गया? वो भी तो किसी की बहन है, उन्हें तकलीफ नहीं होती क्या भैया? तुम भी तो भाभी को पैसों के लिए टॉर्चर करते हो, दहेज मांगते हो उनसे। अरे भैया आप में मेरे पति में फिर क्या अंतर रह गया? अरे भैया वो भी तो किसी की बहन है, उसे भी तो तकलीफ होती है। आज जब आपकी बहन को तकलीफ हुई तो आपको कितना दर्द हुआ? वो भी तो किसी की बहन है, क्या उसे दर्द नहीं होता? भैया आपको ये सब बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। तुम ठीक कह रही हो दीदी, मुझे रियलाइज हो गया है,
मैं ना जाने क्या क्या बोलता रहता था उसको पैसों के लिए, दहेज के लिए। आज मुझे रियल में ही रियलाइज हो गया है कि मैं कितना गलत था। आई एम सॉरी दीदी, और मुझे काजल से माफी भी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। आई एम सॉरी दीदी, मैं पैसे लालच में इतना अंधा हो गया था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैंने अपनी बीबी को क्या क्या नहीं बोल दिया और कितना अत्याचार किया। मैं अभी काजल से माफी मांगता हूँ। काजल, मैं आगे से प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं बहुत प्यार करूंगा और पैसे के लिए कभी भी तंग नहीं करूंगा, कभी भी तंग नहीं करूंगा। आई एम सॉरी।